आज हमारे और आपके बीच चर्चा होनी थी कि जीरो और वन में किसको प्रथम नंबर बोला जाए। जीरो वैसे मैं बताऊं कि स्थान की दृष्टि से प्रथम नंबर है और गणना की दृष्टि से वन प्रथम नंबर है। आप ये जानते हैं ऐसा क्यों मैंने कहा, ये जरूरी है जानना। इससे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था, डिस्कशन विद जीरो, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें बताया था कि जीरो से छोटा कुछ भी नहीं है। -5, -4, -3, -2, -1, ये सारे नंबर जीरो से छोटे नहीं है। और ये क्यों नहीं, इसका मैंने रीजन आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। और उस वीडियो में मैंने एक बात और बोली थी कि मैं नेक्स्ट में वीडियो में ये आपको बताऊंगा कि जीरो कैसे प्रथम नंबर है और वन कैसे प्रथम नंबर है, और जीरो अगर प्रथम नंबर है तो किस दृष्टि से है और वन किस दृष्टि से। मैंने अभी शुरुआत में ही डिस्कस किया कि जीरो मेरा स्थान की दृष्टि से है और वन मेरा गणना की दृष्टि से। जैसे मैंने कहा कि आपसे कि कमरे कितने हैं, तो आपने बोला चार, तो कैसे गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक बात है। मतलब कोई भी काउंटिंग करते तो आप 1, 2, 3, 4 से करते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि 10, 11, 12 को अगर कहें, तो 10, 11, 12 में आप छोड़िए, मैं आपसे कहूँ 11 और 12, 11 और 12 में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे 12 बड़ा है। कैसे बड़ा है 12, किस हिसाब से आपने बताया? तो आपने बताया कि सर 11 और 12 में इसका यूनिट प्लेस जिम्मेदार है छोटा और बड़ा सिद्ध करने में। 11 और 12 में टेंस प्लेस दोनों का देखिए सेम है, 1 1, बट 11 12 में यूनिट प्लेस देखिए, तो 11 का यूनिट प्लेस क्या है, 1, और 12 का यूनिट प्लेस 2 है। तो 11 और 12 में आपको समझ में आ रहा है कि यूनिट प्लेस के हिसाब से 1 2 से छोटा होता है, तो 11 पहले आया और 12 बाद में आया। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको कि 11 और 12 में 11 आपका छोटा है और 12 बड़ा है, ठीक है। अब ये बताइए कि किसी हिसाब से 10 और 11 में, ये अब ये तो पता चल गया जो काउंटिंग है वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी, मतलब 11 के बाद 12, 13, 14, वैसे ही 11 से पहले क्या है, 10, तो ये क्लियर है, सिद्ध होता है कि 11 से छोटा 10 है। अब 11 से 10 छोटा है ये कौन डिसाइड करता है, यूनिट प्लेस डिसाइड करता है। तो बताइए यूनिट प्लेस में 10 में क्या है, यूनिट प्लेस में 0, और 11 के यूनिट प्लेस में क्या है, 1। तो आप बताइए कि 0 और 1 में 0 पहले आया, तो इसका मतलब सिद्ध होता है यहाँ से कि 0 मेरा क्या है, प्रथम नंबर है। देखिए 10, 11, 12, ठीक है, आप काउंटिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, यहाँ से आपको लगता है कि 1 मेरा प्रथम नंबर है। तो अगर 1 प्रथम नंबर है तो इसका मतलब 1 से पहले आप कुछ नहीं मानते हैं, तो फिर गिनती में 9 के बाद 11 आना चाहिए, लेकिन 9 के बाद क्या आता है, 10। 9, 10, 11, 12, और 10, 11, 12 में 10, 11 से छोटा है कैसे सिद्ध करते हैं आप, तो यूनिट प्लेस से। 11 और 12 में यूनिट प्लेस में 1 और 2 से आप बताते हैं कि 1 2 से छोटा है, इसलिए 11 12 से छोटा है। इस तरीके 10 11 से छोटा है कैसे डिसाइड करते हैं, तो यूनिट प्लेस में वहाँ 0 है, उसके 11 के यूनिट प्लेस में 1 है, और 10 के यूनिट प्लेस में 0 है। तो आप ये कहते हैं कि 0 1 से छोटा है, नथिंग मानते हैं आप। ये आपने कहा कि 10 11 से छोटा है, और यहाँ से सिद्ध भी होता है, देखिए कि आपका 10 नंबर 11 से छोटा है, तो सिद्ध होता है कि 0 1 से पहले है, 0 1 से पहले, तभी तो 11 10 11 से छोटा है। अगर 0 1 से पहले ना होता तो 10 11 छोटा कैसे हो सकता था। यानी यहाँ से सिद्ध हो गया आपका कि 10 11 से क्या है, छोटा है, इसका मतलब 0 1 से पहले आया। लेकिन एक बात और समझिए, यहाँ पर प्लेस बोला, यूनिट प्लेस में 1 पहले 1 से पहले क्या है, 0 है। तो स्थान की दृष्टि से अगर हम कहें, प्लेस के हिसाब से कहें, तो मेरा 0 प्रथम नंबर है। और जब गणना की दृष्टि से करते हैं कैलकुलेशन, तो 1 2 3 4 यहाँ बोलते हैं, तो गणना की दृष्टि से जब हम बात करें तो 1 मेरा क्या है, प्रथम नंबर है, और स्थान की दृष्टि से 0। और स्थान में ताकत होती है, स्थान बलिन, स्थान में ताकत होती है। आप देखिए ना 10 11 12, प्लेस के हिसाब से तो 10 पहले आके 11 से, ये स्थान की वजह से आया, लेकिन कैलकुलेशन आप 1 से ही करते हैं, तो स्थान की ताकत आप समझ रहे हैं। एक मैं आपको और काउंटर एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने कहा कि 10 में अगर आप 2 का डिवाइड करें तो क्या आता है, 5। तो अच्छा था ये, 10 में जब 2 का भाग देते हैं, 2 बटा 10 बटा 2 करते हैं तो 5 आता है, 10 में 2 का भाग दिया 5 आया। तो देखिए 5 के बाद क्या आता है, 6 7 8 9 10, करेक्ट। तो 5 इससे इधर, तो 5 इससे इधर होना चाहिए, तो 5 के इधर क्या आएगा, 4 3 2 1, मतलब अगर बीच में सेंटर पॉइंट अगर हम 5 बोले तो 5 के बगल में क्या आया, 6 7 8 9 10, 5 अंक है, और 5 के इधर भी 5 होनी चाहिए, तभी तो बराबर होगा, 4 3 2 1। अर्थात 1 के बाद अगर 0 नहीं होगा तो डिवाइड पॉसिबल है, नहीं है ना भाई। 5 को अगर आप सेंटर पॉइंट माने तो 5 के इधर कितने अंक है, 5 अंक है, 6 7 8 9 10,
तो पांच के इधर भी पांच अंक होने चाहिए, कौन कौन से हैं, चार तीन दो एक और जीरो। सिद्ध हो रहा है ना कि जीरो मेरा क्या है, एक से पहले है। अगर जीरो नहीं होगा तो फिर बैलेंस बिगड़ जाएगा ना, यहाँ पर पांच यहाँ पर चार अंक हो जाएंगे, इधर पांच इधर भी पांच होने चाहिए, मतलब छह सात आठ नौ दस, इधर भी क्या है चार तीन दो एक जीरो। तो ये बात सिद्ध होती है कि स्थान की बात करें तो जीरो मेरा एक से पहले माना जाता है, जीरो प्रथम नंबर है स्थान की दृष्टि से, और एक मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से मेरा फर्स्ट नंबर है गणना की दृष्टि से। जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो एक को पहला नंबर मानेंगे, जब हम स्थान की बात करते हैं तो देखिए ना दस ग्यारह बारह में स्थान ही तो है जीरो, जीरो मेरा क्या है प्रथम नंबर है। तो इस तरीके से मैं आगे भी डिस्कस करूँगा, ये वैदिक मैथमेटिक्स का पार्ट है और हम सभी लोगों को जानना चाहिए कि हमारे मन में ये ख्याल आना चाहिए कि जीरो मेरा प्रथम नंबर है कि एक मेरा प्रथम नंबर है, और अगर है तो किस दृष्टि से, ये भी जानना जरूरी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी, और अगर मेरी बात समझ में आती तो आप इसको आगे बढ़ाएं, फॉरवर्ड करें, ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए और हमारे जितने भी भाई साहब लोग जो जानना चाहते हैं जीरो और वन के बारे में उनके लिए बड़ा अच्छा साबित होगा। थैंक यू।